नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, बालोद जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोड़ेला तालाब के पास मिले युवक की लाश की हत्या के मामले में पुलिस ने घटना के 6 घंटे के भीतर ही आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया, जहां आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूरे मामला का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोमवार की सुबह गोड़ेला गाँव के तालाब के पास मृतक युवक टामेश ठाकुर की खून से लथपथ लाश मिली थी, जो ग्राम खुरसुल का रहने वाला है, जिसके बाद पूरे मामले की संघनता से जांच की जा रही थी, जहां पता चला कि युवक नशे का आदी था। जहां युवक के दोस्त आरोपी विक्रम साहू और आरोपी योगेश साहू ने युवक को शराब पिलाने के बहाने बुलाया और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि युवक हमेशा झगड़ा करता रहता और नशे के लिए जिद करता, जिसे तंग आकर उन्होंने युवक की हत्या कर दी। आरोपियों के पास से पुलिस को एयर पिस्टल के साथ बड़ा चाकू, छोटा चाकू एवं और भी कई हथियार बरामद हुए हैं, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। वहीं दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ जिला बालोद से अरुण उपाध्याय की खास रिपोर्ट, देखते रहिए सीजी न्यूज़ प्लस 24। दिनांक 14 जून 2021 के प्रातः थाना अर्जुंदा में सूचना मिली, ग्राम गोड़ेला भाटा के भाटा तालाब में एक युवक जिसकी उम्र लगभग 25-26 वर्ष के आसपास होगी, उसका शव तालाब के उसमें किनारे मिला हुआ है। सूचना पर से थाना अर्जुंदा की टीम घटनास्थल की ओर रवाना हुई तथा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, जिस पर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं एडिशनल एसपी बालोद, डीएसपी दिनेश सिन्हा, थाना प्रभारी गुंडरदेही, थाना प्रभारी अर्जुंदा गौरव साहू तथा साइबर सेल की टीम के साथ घटनास्थल रवाना हुए। साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट मोहन पटेल, डॉग स्क्वाड को भी घटनास्थल बुलाया गया। घटनास्थल का मुआयना किया गया, साक्ष को देखा गया। घटनास्थल मुआयना पर यह पाया गया कि जो मृतक है उसके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है, जो वहां पर देहाती नालसी पर से मर कायम कर अपराध धारा 302 भादवी का दर्ज किया गया। विवेचना के क्रम में जो संदेही है उनसे पूछताछ की गई, इसमें देखा गया कि जो मृतक है उसका किनसे किनसे मेलजोल था और वह कल किससे किससे मिला था, उस आधार पर संदेही से पूछताछ की गई। पूछताछ में संदेही विक्रम सिंह साहू और योगेश उर्फ योगी के साथ यह शाम को मोटरसाइकिल में जाना पता चला, उस आधार पर इनसे पूछताछ की गई। योगी चूंकि इसका पुराना मित्र है, योगी को लोग पहचानते थे। पूछताछ पे विक्रम ने बताया कि वह चंद्रपुर महाराष्ट्र में रहता था, वहीं पढ़ाई करता था, बाद में वह टाटा कंपनी में काम करता था। 2 साल पूर्व उसके पिता की मृत्यु होने पर वह वापस अपने गांव खुरसूल आया है, जिस पर वह किराने की दुकान तथा आटा चक्की खुला हुआ था। मृतक कभी कभी उससे शराब मांगता था, कभी सिगरेट बीड़ी मांगता था, कभी उससे परेशान भी करता, धमकाता था, तो उससे थोड़ा सा टेंशन में रहता था। दिनांक 13 जून को मृतक शराब के नशे में था और आरोपी के दुकान के पास आकर बोला कि मुझे कुछ और शराब दो। तो ये सोचा कि मेरे को बार बार परेशान करता है, तो क्यों ना इसको मर्डर ही कर दिया जाए। इस आशय से वह अपने दोस्त योगी को बुलाया, योगी की मोटरसाइकिल को लिए और अपने पास से यह 2 धारदार हथियार रखा और मोटरसाइकिल डिग्गी में 5 पौवा शराब, धारदार हथियार रख के मृतक को मोटरसाइकिल बैठा के गोड़ेला भाटा तालाब की ओर ले गए, जहाँ पर आरोपी और उसका दोस्त योगी जो सह आरोपी है उसने 1-1 पौवा शराब पिया और मृतक को 3 पौवा शराब पिया। शराब पीकर जब वह चित लेटा तब अपने पास रखे धारदार हथियार से उसका गला को रेत दिया। दूसरे आरोपी योगेश ने उसके पेट पर वार किया, इसके बाद मृतक को पलट कर उसके गर्दन पे दोबारा से काटा गया। घटना करने पश्चात तालाब के पानी में धारदार हथियार को धोए और आरोपी ने उस धारदार हथियार को एक बोरे में पैक करके अपने मामा के घर किनकापार में छोड़ दिया, जहां से आरोपी निशानदेही पर घटना पर हथियार को जब्त किया गया है। आरोपी द्वारा जब घटना पर हथियार की जब्ती कराई जा रही थी तो वहां पर और भी धारदार हथियार मिले हैं, जिसमें एक तलवार है तथा 2 खिलौना नुमा रिवाल्वर और पिस्टल मिले हैं, जिसकी भी जब्ती की गई है। प्रकरण में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों के नाम विक्रम सिंह साहू, पिता राजेंद्र साहू, उम्र 26 वर्ष, दूसरा योगेश कुमार साहू, पिता यशवंत साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम खुरसूल, थाना अर्जुंदा, जिला बालोद है। दिखती रही सीजी न्यूज़ प्लस 24 सबकी बात सबके साथ, सब्सक्राइब करना ना भूले।